कदम है मारू को, इज्जत दो, इज्जत दो। रियासत को बचाना है, बुखारी को हटाना है। रियासत को बचाना है, बुखारी को हटाना है। डिमांड तो बहुत है, लेकिन जो हमारी दो मेन डिमांड है जिसमें डीलिंकिंग ऑफ एसएसए सैलरी एमएचआरडी से स्टेट बजट में, हम चाहते हैं कि हमें स्टेट बजट से सैलरी दी जाए, क्योंकि हमें जो सैलरी एक चार चार पाँच पाँच महीने के बाद एक महीने की दी जाती है, जैसे भिखारी को भीख दी जाती है। एक सबसे बड़ी हमारी ये डिमांड है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें स्टेट बजट में लाया जाए ताकि हमें महीने के महीने सैलरी मिले, क्योंकि हमें चार या पाँच महीने के बाद सैलरी मिलती है तो उसमें क्या होता है कि वो बैंक वाले, हमने लोन लिए वो बैंक में काट दी जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट ने हमारे लिए और एक दूसरा फंदा खड़ा कर दिया है, जिसके बीच में ये है कि हमारा जो सेवन पे कमीशन है, बाकी हम स्टेट के मुलाजिम हैं, बाकी वालों सबको मिला है। हम 40,000 से ज़्यादा जो एसएससी टीचर हैं, हमें जो सेवन पे कमीशन में महरूम रखा गया है। गवर्नमेंट ने हमें फरवरी या मार्च की सैलरी देने के बजाय हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए गवर्नमेंट ने अप्रैल महीने की सैलरी दी। आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये बता रहे हैं कि ये जो स्कीम है ये नूर सोसाइटी के मुलाजिम है। सेंटर कह रही है मेरे मुलाजिम नहीं है, स्टेट कह रही है मेरे मुलाजिम नहीं है, तो बताइए हम किसके मुलाजिम है, हम फिर किस मुल्क के मुलाजिम है? हम ये स्टेट सरकार से पूछना चाहेंगे। हम महबूबा मुफ्ती साहब से गुजारिश करेंगे कि अगर ईद से पहले हमारा मसला ये हल नहीं हुआ तो ईद के दिन हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हजारों की तादाद में टीचर्स प्रताप पार्क श्रीनगर में जो है वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। अगर तब तक भी हमारा मसला नहीं हल हुआ तो उसके बाद हम मुफ्ती साहब की कब्र पर जाकर जो है वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर हमारे साथ नाइंसाफी क्यों जारी की जा रही है, हमें वक्त पे तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही है, हमारे बच्चे परेशान हैं, हमारे पेरेंट्स बूढ़े परेशान हैं, हम कर्जा ले लेकर सर लोगों से कर्जा ले लेकर अब इतना हम वो हो चुके हैं कि हम उनके सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तालीम टीचर्स पर डिलीट करो, डिलीट करो, डिलीट करो, डिलीट करो। Let's go, 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 let